प्रेशर देखने को मिलेगा आपको। अरे अरे बड़ा खतरनाक प्रेशर है भाई साहब, ये देखो 4 इंची का कितनी दूर पानी गिर रहा है, ये रोटोसोल का ये देखो कितना हैवी प्रेशर है, और ये देखो पानी कितना दे रहा है, 5 HP का ये होता है नजारा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल में। तो गाइज आज फिर मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 5 HP का रोटोसोल का पंप का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो गाइज आज हम बात करने हैं 5 HP वाले रोटोसोल पंप के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको देखने मिलने वाली है ट्रॉली भी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे जो व्यूजर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनका बार बार यही कमेंट्स आता है कि सर आप जो है वो पैनल वाली जो ट्रॉली होती है वो भी दिखाना है। तो आज इसी के ऊपर वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो गाइज हमने भैया के यहाँ पे हमने सिस्टम लगा दिया है, 5 HP का रोटोसोल कंपनी का सिस्टम लगा दिया है। और पैनल की बात करें तो हमने उषा श्री राम के, जिसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उस कंपनी का पॉलीक्रिस्टल 335 वाट का सोलर मॉड्यूल हमने यहाँ पे लगा दिया है, और 15 पैनल लगाए हैं। तो पहले मैं भैया से पूछूंगा, क्योंकि पहले ये इससे पहले जो इंजन से चलाते थे उसका कितना खर्चा आता था, अब सोलर से चलाने पर कितना खर्चा आता है, ये चीज मैं पूछूंगा। तो भैया नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और आप अपना, भैया जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको नाम बता दो। मेरा नाम गौरव राजपूत। गौरव राजपूत भैया, अपना एड्रेस? मलकपुर फैमिली, डिस्ट्रिक्ट? तहसील ठाकुर द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। अच्छा, मलकपुर फैमिली में ये सिस्टम हमने लगाया है, 5 HP का पंप लगाया है। अच्छा, पहले आप जब इंजन से पानी भरते थे, आप अपने खेत भरते थे, क्योंकि ऊपर वाले की दोस्त आपके खेत काफी बड़े बड़े हैं, एक बार खेत भी दिखा दो इनके भैया के, चारों तरफ दिखा दो, चारों तरफ भैया का गन्ना लगा हुआ है, जिधर भी निगाह जाएगी मेरे हिसाब से, मैं तो जिधर भी देख रहा हूँ तो भैया का मुझे गन्ने ही गन्ना नजर आ रहा है। तो भैया पहले आप इंजन से चलाते थे तो कितना एक दिन में खर्चा आता था आपका? समथिंग स्टार्टिंग जब हम पहले उससे देते थे इंजन से, तो हमारा 2000 रुपए के समथिंग में डीजल आ जाता था पर डे का खर्च। अच्छा, एक यानी कि एक दिन का 2000 रुपए का डीजल आपका फूक जाता था। हम लोग 20 बीघे में 40 लीटर डीजल लगाते थे। 40 लीटर डीजल लगा देते, यानी कि सीधा सीधा आपका आज की डेट में अगर 100 रुपए से भी जोड़े तो आपका 4000 रुपए, 4000 रुपए का डीजल हो जाता था, फूकता था एक दिन में। नहीं, दो दिन में 4000 रुपए का डीजल भैया का फूकता था, यानी कि एक दिन में लगभग लगभग भैया का 2000 रुपए का खर्चा आता था। और एक महीने का अगर हम इसका जोड़ते हैं तो 60000 रुपए महीने के फूकते थे भैया के, क्योंकि काफी बड़े खेत है, तो अगर सारे खेतों में अगर पानी देते हैं तो पूरा महीना गोल हो जाता था भैया का। अब क्या है, भैया ने रोटोसोल का सिस्टम लगा दिया। भैया सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपका? सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। कितने इंची प्रेशर का पानी? 4 HP का पानी देता है भैया जी, 4 HP बढ़िया पानी, एकदम फोर्स का पानी देता है। पैनल दिखा दो भैया के, रोटोसोल कंपनी, सॉरी मोटर जो लगा हुई है वो रोटोसोल कंपनी की मोटर लगा हुई है, और पैनल जो है वो उषा श्री राम के हैं। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, भैया ने सोलर वाली ट्रॉली बनवाई है। अच्छा, इस ट्रॉली को लगाने पर बेनिफिट लगा आपको? हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, खेत पे कहीं भी, हर खेत में हम इसे ले जाते हैं। ले जाते हो? अच्छा भैया, आपने ट्रॉली कहीं से बनवाई थी तो आपका कितना खर्चा आ गया था वहाँ बता दो, क्योंकि हमारे 75000 रुपए का खर्चा आया ना, सारा कुछ बढ़िया बनवाने में, एक नंबर की चीज, अच्छी तैयार करने में हम लोगों को 75000 रुपए, पूरी ट्रॉली सुंदा। तो गाइस लगभग लगभग भैया ने जब ट्रॉली बनवाई थी तो 75000 रुपए के आसपास में खर्चा आ गया था। अब ट्रॉली कैसी बनी हुई है वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया ने ट्रॉली भैया कहाँ से बनवाई थी आपने ट्रॉली? जसपुर से बनवाई थी। तो गाइस ये ट्रॉली भैया ने बनवाई थी, और यहाँ पर पॉली पैनल लगे हुए हैं, 15 सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ट्रॉली कितने अच्छे से यहाँ पर दिख रही है आपको, नजर आ गया। चैन द्वारा सिस्टम है ये, अगर बंद करने का सारा सिस्टम है, खोलने और बंद करने का सारा सिस्टम इसी के अंदर है। तो इसका यहाँ पर एक ये लॉक दिख रहा है, ये अगर हम इस तरह से घुमाते हैं इस ट्रॉली को तो पूरी फोल्डिंग हो जाती है। किधर है? इधर है, इधर है, ये इसका हत्ता है घुमाने वाला। तो गाइस ये हत्ती है भैया, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये हत्ती है। इस हत्ती को अगर हम घुमाते हैं तो हमारी जो पूरी ट्रॉली है वो एकदम फोल्ड हो जाती है और अंदर की तरफ एकदम बंद हो जाती है। और इस हत्ती को जब हम ओपन करते हैं तो ये हत्ती के जो सारे पैनल्स हैं वो एकदम खुल जाते हैं, छतरी की तरह खुल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। एक बार उषा का यहाँ पे टैग दिखा दो, उषा सोलर का 335 वाट का
जिसके हम डिस्ट्रीब्यूटर उषा श्री राम मॉडल यूएस 335 वाट 72 वोल्ट 72 सेल पॉली पैनल यहाँ पर दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो पैनल लगे हुए हैं भैया के 15 पैनल लगे हुए हैं। तो गाइज हम जो है रोटोसोल का ही पंप लगाते हैं और डीसी पंप लगाते हैं, क्योंकि डीसी पंप का जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो कस्टमर से पूछ लेते हैं। भैया एक बार ये बता दो, आपका सिस्टम ये डीसी आपने लिया है आपका कब से चालू हो जाता है, जो सब्सक्राइबर है उनको बता दो। ये सुबह 6:30 बजे बंद होता है और शाम को 6:30 बजे ही बंद होता है। सुबह चालू होता है 6:30 बजे, 6:30 बजे जाके चालू हो जाता है। सुबह 6:30 बजे 2 HP का पानी देने लगता है। अच्छा, और शाम को जो है 6:30 बजे ही 2 HP का पानी पे बंद होता है। बंद होता है क्योंकि ये 12 घंटे चलता है पूरे दिन। अच्छा, पूरे दिन चलता है। पूरे दिन 12 घंटे तो गाइस चलता है। देखो ये भैया खुद बता रहे हैं, क्योंकि अभी यूज कर रहे हैं तभी ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बता रहे कुछ और है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप डीसी का अगर सिस्टम लेते हो, डीसी का अगर आप सिस्टम लेते हो तो डीसी का यही बेनिफिट है कि सुबह को 6:30 बजे से चालू होना और शाम को 6:15 या 6:30 बजे लो पानी देना। और आप एसी का सिस्टम लोगे तो 8:30 बजे से चालू होता है और शाम को 4:15-4 बजे जाके बंद होता है। और अब मैं दिखा देता हूँ भैया का पानी, ये पानी कितना प्रेशर का देता है रोटोसोल का, क्योंकि रोटोसोल बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। एक बार भैया अंदर भी टैग दिखा दो, उषा का टैग दिखा दो यहाँ पे पैनल के अंदर, और थोड़े से पैनल गंदे भी हो रहे हैं। ये उषा का पैनल है गाइस। मैं अभी एक मिनट यहाँ पे देखो पाइप बांधा जा रहा है, मैं पाइप को अभी खुलवा के आपको प्रेशर दिखाता हूँ। भैया एक बार इसका पाइप खोल दो, एक बार थोड़ा सा जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको चला के दिखाएंगे, फिर इस पाइप के अंदर भी चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखा दो एक बार, यहाँ पे भैया ने क्या काम कर रखा है, ये रोटोसोल का जो इसका स्टार्टर है कंट्रोल है ये यहाँ पे रख रखा है, बोरी के अंदर रख रखा है। तो अभी कल मौसम गंदा था ना बारिश की वजह से। अच्छा, कल मौसम गंदा था जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा ढक दिया है। अब ये आ चुकी है मोटर, रोटोसोल की 5 HP की मोटर है ये। मैं मोटर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टील बॉडी में मोटर आती है रोटोसोल की, बहुत हैवी कंपनी है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 HP का लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और मोटर की क्वालिटी आप देख सकते हो। तो अब ये जो है बैंड है, अब यहाँ पे भैया ने ओपन कर दिया है और मैं आपको प्रेशर दिखाऊंगा, आवाज भी आने लगी है गाइस। प्रेशर दिखाऊंगा पहले मैं दूर से, यहाँ पे देखो प्रेशर देखने को मिलेगा आपको। अरे अरे बड़ा खतरनाक प्रेशर है भाई साहब, ये देखो 4 इंची का कितनी दूर पानी गिर रहा है ये रोटोसोल का। ये देखो कितना हैवी प्रेशर है, और ये देखो पानी कितना दे रहा है। 5 HP का ये होता है नज़ारा, देखो कितना हैवी प्रेशर के साथ मार रहा है फोर्स, इसे कहते हैं। ये है सिस्टम, कितना हैवी सिस्टम काम कर रहा है प्रेशर के साथ। और मोटर देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, रोटोसोल का ये प्रेशर होता है। ये देखो कितना बढ़िया प्रेशर आ रहा है, 5 HP का ये होता है। और एक बार दूर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं है, देखो कितनी भी दूर इस सिस्टम को मैं अगर इस वीडियो को दूर करता हूँ फिर भी आपको प्रेशर ही नज़र आएगा। ये देखो कितना हैवी फोर्स का दे रहा है, ये देखो कितना बढ़िया पानी दे रहा है भाई साहब। ये होता है प्रेशर ओरिजिनल सिस्टम का, मतलब इसे कहते हैं 4 इंची फोर्स का पानी दे रहा है ये। अंगुली इसके अगर अंदर करते हैं, ये देखो अगर मैं हाथ भी अगर इस तरह से करूं तो मेरा हाथ भी पीछे को हो रहा है। ये देखो बहुत बढ़िया इनका सिस्टम काम कर रहा है, और इतना प्रेशर है कि ये जो मोटर है ये पीछे की तरफ को जा रही है, इसीलिए भैया ने पकड़ रखा है। ये देखो प्रेशर मार रहा है पीछे को प्रेशर मार रहा है गाइस, ये देखो पीछे को प्रेशर मार रहा है, कितना अच्छे से सिस्टम इनका काम कर रहा है। अभी यहाँ देखो ये कुछ भी नहीं था, आप मोटर बंद कीजिए। तो गाइस एक मैं चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये इनका स्टार्टर है, इसको कंट्रोल को पहले मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने मोटर बंद कर दी है, अभी 2 मिनट नहीं चला, गड्ढा कर दे। देखो अभी ये 2 मिनट नहीं चल पाया और पानी का इतना प्रेशर है कि पेड़ की जड़ में को गड्ढा कर दिया इसने। 2 मिनट ये देखो 2 मिनट नहीं चला है,
और प्रेशर कर दिया एक बार। मैं यहाँ पे देखो ऑन करता हूँ, मैंने ये ऑन कर दिया है। इनसे भी अगर चलता है तो इतने इतने गड्ढे कर रखे इसने। कितने कितने गड्ढे कर दिया है? गौरव भाई कह रहे हैं जब इसका इतना प्रेशर है कि इतने इतने गड्ढे कर देता है। ये देखो मैं दिखाऊंगा फिर से, मैं आपको 5 HP का नजारा। ये देखो भाई साहब, ये कहते हैं प्रेशर के साथ पानी देना, कितना हैवी पानी दे रहा है। ये देख सकते हो आप, पेड़ की जड़ में गड्ढा कर दिया इसने। बहुत हैवी सिस्टम इनके भैया का काम कर रहा है। और ये सारे खेत भैया के भरे जा रहे हैं, जिधर भी आप लिंगा डालोगे ना उधर ही आपको नजर आएगा। अब ये वाली जो ये है एक, ये वाली भरने के लिए जा रही है। सारे खेत इनके लगभग भर चुके हैं इस चीज से। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिस्टम किस तरह से वर्किंग कर रहा है। बहुत कर रहा पानी दे रहा है, झरझाटे मार रहा है ना सिस्टम, झरझाटे मार रहा है। एक बार और बता दो। बहुत खूब पानी दे रहा है, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया, झरझाटे मार रहा है, बिल्कुल। ये कह दो कि इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अच्छा तो गाइस, अगर छोटे किसान है उनके लिए तो बहुत ही काम का वीडियो है ये, बहुत बढ़िया ये वीडियो है उनके लिए। बार देखो भाई साहब, वीडियो बनाने का इतना मन कर रहा है कि इसकी शाम लो वीडियो वही बनाता रहूं, क्योंकि इसका पानी का प्रेशर जो है वो इसके मुकाबले किसी भी कंपनी का प्रेशर नहीं है। पानी का फोर्स देखो, फोर्स क्या कह रहा है, पानी नहीं पीन देता एकदम, पानी भी नहीं पीन दे रहा गौरव भाई को। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार मैं भी पानी का प्रेशर देख लूँ। लो भी पकड़ियो। तो गाइस जब मैं एक बार पानी का प्रेशर देखता हूँ, ये देखो मेरा हाथ अगर तुम कर रहे हैं तो हाथ भी हिल रहा है, बहुत ठंडा पानी आ रहा है इसका। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अगर मैं देखो छोड़ता हूँ किस तरह से भाग रहा है, ये देखो अगर मैं छोड़ता हूँ तो इतना तगड़ा प्रेशर मार रहा है, बहुत हैवी पानी दे रहा है भाई साहब। 4 इंची फोर्स वाला पानी है, कहाँ जाके गिर रहा है, लगभग 4 फीट का पानी गिर रहा है, 4 फीट का पूरे पूरे। ये देखो 4 फीट का पेड़ की जड़ में गड्ढा कर दिया इसने। गौरव भाई मोटर झरझाटे मार रही है, झरझाटे काट रही है। गौरव भाई कह रहे हैं कि मोटर झरझाटे काट रही है, अब इस पाइप को हम इसमें लगा देते हैं। तो पहले हम बंद कर देते हैं, बंद कर दो भाई। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सिस्टम लगाते हैं। और गाइस अगर आप भी ऐसा सिस्टम लगवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, दिए गए स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं वहां से कॉल कर सकते हो। और मन तो ये कर रहा है कि यहाँ पर नहा लूं, ऊपर कपड़े नहीं लेकर आया मैं। नहीं तो नहा के जाता है यहाँ पे, क्योंकि जंगल है तो बहुत दूर है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।